जय हिंद मेरे प्यारे साथी। इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस की सिपाही भर्ती के बारे में। तो आप सभी को बता दें कि बिहार पुलिस की तरफ से 12,000 पदों पर नई भर्ती निकाली गई है, जिसके बारे में पूरी कंप्लीट डिटेल आप सभी को मिलने वाली है कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कि किस तरीके से आपकी भर्ती कंप्लीट होगी। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आप सभी को देंगे और बताएंगे कि कौन कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी जानकारी मिल पाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट की नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ और यहां पे आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं। तो जैसा कि आप यहां पे देख सकते हैं, बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 बिहार पुलिस में 12,000 पदों पर भर्ती। तो आप सभी को बताया कि बिहार पुलिस की तरफ से और बिहार सरकार की तरफ से पूरी जानकारी यहाँ पे दे दी गई है। लगभग 1,00,000 पदों का जो ब्यौरा था वो भी यहाँ पे दे दिया गया। तो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो चुकी है कि कितने पदों पर आपकी ये भर्ती होने वाली है। तो लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पे, आप देख सकते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल की न्यू वैकेंसी निकाली गई है। तो ऑनलाइन इसके लिए ये एप्लीकेशन आप सभी को भरने होंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से ये वैकेंसी जारी की गई है, जिसके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आप सभी को बता दें 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक यहाँ पे आपकी सैलरी रहेगी। आगे बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे पोस्ट एंड वैकेंसी के बारे में। तो 12,000 प्लस यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो बिहार पुलिस में इससे पहले आप सभी को पता है शायद 1,415 पदों पर ये भर्ती हुई थी, अब यहाँ पे 12,000 पदों पर भर्ती हो रही है, जो कि अपने आप में काफी बड़ी भर्ती है और बहुत ही जल्दी इसका जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। और सारी चीजें देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम बात करें नेम ऑफ द पोस्ट के बारे में, तो यहाँ पे कांस्टेबल की वैकेंसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बात करेंगे एज लिमिट की, तो यहाँ पे जो आपकी उम्र होनी चाहिए 18 से 25 साल की उम्र होनी चाहिए, यानी कम से कम 18 साल और अधिकतम आपकी 25 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी में। अब यहाँ पे बात करें तो लास्ट डेट से आपकी एज काउंट की जाएगी। अगर मैं एज रिलैक्सेशन की बात करूँ तो एससी एसटी को यहाँ पे 5 साल की छूट दी जाएगी, वहीं पर अगर आप बिलोंग करते हैं बीसी या ईबीसी से और मेल कैंडिडेट हैं तो 2 साल की आपको छूट मिलेगी, वहीं पर आप बीसी और ईबीसी से अगर बिलोंग करते हैं और फीमेल कैंडिडेट हैं तो 3 साल की यहाँ पे उम्र में छूट दी जाएगी। अब बात कर लें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आप सभी को बता दें कि यहाँ पे 10+2 यानी 12th आपने पास किया हो या इसके समकक्ष अगर आपके पास और कोई डिग्री डिप्लोमा है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पे स्केल क्लियर आप सभी को करी दिया है, 21,700 से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ तक आपका पे स्केल रहता है, यानी कि लगभग 30,000 से 40,000 रुपये पर मंथ यहाँ पे आपको सैलरी मिलती है। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले होता है रिटन एग्जामिनेशन, इसके बाद पीईटी पीएसटी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मेन जो स्टेज होती है वो होती है 2, तो सबसे ज्यादा जरूरी यहीं पे आपके लिए समझना हो जाता है कि यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो अब देखिए बात करें तो यहाँ पे जो क्योंकि आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है वो आपकी रिटन एग्जामिनेशन पे ना बनके पीएसटी पीईटी के आधार पे आपकी बनती है, यानी फिजिकल के आधार पे आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनती है। यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं बिहार पुलिस सिपाही बहाली 2022 में अंतिम मेधा सूची सारे दक्षता के प्राप्त अंकों के आधार पर होगी। लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर रिक्त पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता में शामिल किया जाएगा। यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें तो 12,000 यहाँ पे वैकेंसी है, तो 12,000 वैकेंसी की हम बात करें तो पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो रिटन एग्जामिनेशन में फिजिकल के लिए जो क्वालिफाई किया जाएगा लगभग 60,000 अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया जाएगा, यानी 60,000 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि फिजिकल में पार्टिसिपेट करेंगे। और आप सभी को बताया कि यहाँ पे फिजिकल के नंबर दिए जाते हैं, तो जो कैंडिडेट फिजिकल में ज्यादा नंबर लेके आएगा वही 12,000 पदों पर सिलेक्शन पाएगा। तो ये रहेगा इसका सिलेक्शन प्रोसेस, केवल 5 गुना कैंडिडेट को ही फिजिकल के लिए पास किया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन में। अब बात कर लेते हैं इसके पीईटी की यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, सॉरी पीएसटी की फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जनरल ओबीसी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूँ तो 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की, फीमेल की अगर मैं बात करूँ तो 155 सेंटीमीटर, फीमेल किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 155 सेंटीमीटर हाइट ही होनी चाहिए। बाकी का रिजर्व कैटेगरी हो गया जैसे गोरखा हो गया, एससी एसटी हो गया या ईबीसी कैटेगरी हो गया, तो उनके लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। हम बात करें सीना की, तो यहाँ पे आपका जो नॉर्मल सीना होना चाहिए 81 सेंटीमीटर और फुलाकर आपका सीना जो होना चाहिए वो 86 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरल ओबीसी कैटेगरी में।
वहीं पे एससी एसटी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका सीना जो होना चाहिए नॉर्मल 79 सेंटीमीटर, और फुल हाफ के साथ आपका जो सीना होना चाहिए वो 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे पी एस टी एंड पी ई टी के बारे में, जो आपका फिजिकल रहेगा। पी एस टी आपको क्लियर कर दिया, अब यहाँ पे देख लेते हैं पी ई टी के बारे में, यानी फिजिकल इफिशेंसी टेस्ट, जिसके आधार पर आपका जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो इसी के आधार पर आपकी फाइनल लिस्ट बनेगी। जो भी इसमें ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे लेके आएगा, नंबर यहाँ पे लेके आएगा, उसी का अंतिम चयन यहाँ पे किया जाएगा। जैसे सभी कोटि के पुरुषों के लिए अगर बात करें तो 1.6 किलोमीटर की रनिंग यहाँ पे रखी गई है। किसी भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, यहाँ पे आपकी जो दौड़ होगी वो 1.6 किलोमीटर की रहेगी, यानी कि एक मील की दौड़ रहेगी, जिसमें 5 मिनट से कम अगर आप दौड़ लगाते हैं तो 50 नंबर, 5 मिनट से लेके 5 मिनट 20 सेकंड तक लगाते हैं तो 40 नंबर, 5 मिनट 20 सेकंड से लेके 5 मिनट 40 सेकंड तक लगाते हैं तो 30 नंबर, और 5 मिनट 40 सेकंड से लेके 6 मिनट तक लगाते हैं तो 20 नंबर आपको दिए जाएंगे, और इससे अधिक समय लेते हैं तो आपको फेल माना जाएगा। वहीं पे बात करें महिलाओं के लिए, तो महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर की दौड़ रखी गई है, तो 4 मिनट से कम में लगाने वाले को 50 नंबर, 4 मिनट से 20 सेकंड तक लगाने वाले को 40 नंबर, 4 मिनट 20 सेकंड से लेके 4 मिनट 40 सेकंड तक लगाने वाले को 30 नंबर, और 4 मिनट 40 सेकंड से लेके 5 मिनट तक लगाने वाले को 20 नंबर दिए जाएंगे। इससे अधिक समय लेने वाली महिलाओं को फेल कर दिया जाएगा। इसके अलावा जो होता है नंबर सेकंड होता है आपका गोल ऑफ रैंक, जिसमें सभी कोटि के यानी कि सभी कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट रहेंगे, पुरुष कैंडिडेट रहेंगे, उन्हें 16 पाउंड का जो गोला होगा वो यहाँ पे फेंकना होगा। तो ये 16 फिट तक आपको फेंकना है, तो 16 फिट से 17 फिट तक अगर आप फेंकते हैं तो 9 नंबर, 17 फिट से 18 फिट 13 नंबर, 18 फिट से 19 फिट 17 नंबर, 19 से लेकर 20 फिट तक फेंकते हैं तो 21 नंबर, और 20 फिट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 नंबर आपको दिए जाएंगे। वहीं पे आप बात करें कि 16 फिट से नीचे अगर आप फेंकते हैं तो आपको यहाँ पे फेल मान लिया जाएगा। महिलाओं की बात करें तो यहाँ पे 12 पाउंड का गोला होता है जो कि 12 फिट फेंकना होता है, तो 12 से लेकर 13 तक अगर फेंकते हैं तो 9 नंबर, तो 13 से लेकर 14 तक फेंकते हैं तो 13 नंबर, वहीं पे 14 से 15 तक फेंकते हैं तो 17 नंबर, और 15 से 16 तक फेंकते हैं तो 21 नंबर, और 16 फिट से ज़्यादा फेंकने वाले कैंडिडेट को 25 नंबर दिए जाते हैं। और अगर बात करें कि 12 फिट से कम अगर कोई भी महिला फेंकती है तो उसे फेल कर दिया जाता है। इसके अलावा नंबर थर्ड का जो इवेंट होता है वो आपका रहता है यहाँ पे ऊंची कूद का, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऊंची कूद के लिए अधिकतम 25 नंबर यहाँ पे दिए जाते हैं। तो टोटल अगर हम बात करें 25 25 50, और साथ ही में अगर हम बात करें दौड़ के तो मिलाकर 100 नंबर यहाँ पे आपके हो जाते हैं, जिस पर आपका अंतिम चयन होना होता है। वहीं पे आप देखिए मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे हम बात करें ऊंची कूद के लिए, तो 4 फिट तक अगर कोई कैंडिडेट कूदता है तो 13 नंबर, 4 फिट 4 इंच के लिए 17 नंबर, 4 फिट 8 इंच के लिए 21 नंबर, और 5 फिट तक अगर कोई कूदता है तो उसे 21 नंबर दिए जाते हैं। अगर कोई 4 फिट से कम कूदता है तो उसे फेल कर दिया जाता है। महिलाओं के लिए अगर हम बात करें तो 3 फिट पे 13 नंबर दिए जाते हैं, 3 फिट से लेकर 4 इंच तक 17 नंबर, और 3 फिट 8 इंच तक दिए जाते हैं 21 नंबर, और 4 फिट पे दिए जाते हैं 25 नंबर, और 3 फिट से कम कूदने पर महिलाओं को फेल कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको क्लियर कर दी गई हैं। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे जो आपका फिजिकल है वो एकदम से क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल में आपको क्या करना है। तो सबसे ज़्यादा अहम जो रोल निभाएगा वो आपका फिजिकल है, जिसमें 100 नंबर का रहेगा, और इसी के आधार पर आपकी अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी। रिटर्न एग्जामिनेशन सिलेबस में अगर हम बात करें तो 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसे पास करने वाले 5 गुना कैंडिडेट को ही फिजिकल में शामिल किया जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज रहेगा आपका रिटर्न एग्जामिनेशन, एंड सेकंड स्टेज रहेगा आपका फिजिकल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की मैं बात करूँ तो पहला आपका जैसे इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर्स के टोटल मिला के 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसके लिए 50 नंबर आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी एंड मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स। इनमें से आपको 2 सब्जेक्ट चूज करने होते हैं जिसके 25-25 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। जैसे कि मान के चलिए अगर आप देना चाहते हैं पॉलिटी और हिस्ट्री देना चाहते हैं तो हिस्ट्री के भी 25 क्वेश्चन होंगे और पॉलिटी के भी 25 क्वेश्चन होंगे। तो आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन से पेपर की तैयारी करनी है। तो इसके 25-25 क्वेश्चन मिला के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए 50 नंबर आपको दिए जाएंगे। इस तरीके से 100 नंबर का आपका पेपर होता है। एप्लीकेशन फीस की मैं बात करूँ तो जो भी परमानेंट रेजिडेंशियल है बिहार स्टेट के, एससी एसटी वुमेन है और हैंडीकैप है, उन्हें 150 रुपये फीस पे करनी होगी, और अदर स्टेट से जो भी कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उन्हें 600 रुपये यहाँ पे फीस पे करनी होगी। कैसे अप्लाई करना है तो बिहार बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके csvc.com पे जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड करा दी गई है।
अब बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट्स की, तो यहाँ पे आप सभी को बता दें ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होने की जो डेट रहेगी वो अक्टूबर 2022 से लेके नवंबर 2022 रखी गई है। इसी के बीच में आपको 30 डेज का टाइम दिया जाएगा, तो इसी के बीच में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने होंगे। अभी तक क्लियर नहीं की गई है, जैसे ही क्लियर कर दी जाएगी आप सभी को हमारी वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिलता रहे। साथ ही में ऑनलाइन अप्लाई करने नोटिफिकेशन की लिंक आप सभी को यहाँ पे दी गई है, तो इसके लिए स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट पे जाके आप विजिट कर सकते हैं, गूगल में सर्च कर सकते हैं, तो पूरी जानकारी आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।